हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोस्टेसी के बारे में, और ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा आइसोस्टेसी है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भू संतुलन, ठीक है। और जो आपका आइसोस्टेसी वर्ड है, इसका मीनिंग हमारा होता है इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है। क्या होता है इसका मीनिंग हमारा? इक्वल स्टैंडिंग। तो जो हमारे यहाँ देखिए आइसोस्टेसी है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आइसोस्टेसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हमारी ये जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर जो इतने बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, प्लेटी होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो किस तरीके से खड़े हुए हैं, मतलब उनका बैलेंस कैसे बना हुआ है। अब आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती, वो हमारी घूमती रहती है अर्थ। तो अब आप सोच के देखिए कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है और हमारी अर्थ के ऊपर ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, प्लेटी हुए प्लेन्स हैं, ये किस तरीके से अपना बैलेंस बनाए रखते हैं, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं आइसोस्टेसी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये जो आपका आइसोस्टेसी का कंसेप्ट है, ये आपके चार साइंटिस्ट ने दिया है, और ये आपका छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए गाइस, जो हमारा है आइसोस्टेसी वो क्या है? वो आपका मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइंग बेसिन ऑन अ रोटेटरी अर्थ। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि आइसोस्टेसी के अंदर आप क्या पढ़ोगे, कि जो हमारी मैकेनिकल स्टेबिलिटी है किसके बीच में? हमारी जो अर्थ के ऊपर अपस्टैंडिंग पार्ट है, और जो उनके अर्थ की, जब हमारी कोई चीज़ अर्थ के ऊपर है तो उसकी जड़ें भी होगी गाइस, है ना, उसकी रूट भी होगी। तो वो किस तरीके से उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी बनाई हुई है, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं आइसोस्टेसी के अंदर। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आइसोस्टेसी क्या है, तो आप ये लिख दिए मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लो लाइन बेसिन ऑन अ रोटेटरी अर्थ, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो आपका ये आइसोस्टेसी का कंसेप्ट है, सबसे पहले किसने दिया? वो आपका दिया एरी ने दिया, ठीक है, 1855 में। तो देखिए इनका जो कंसेप्ट, जो इनकी सेंट्रल थीम थी वो क्या थी? तो इनकी जो सेंट्रल थीम थी वो थी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेयरिंग डेप्थ। सेंट्रल थीम इनकी क्या थी? कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेयरिंग डेप्थ। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इनका कहने का ये था कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैव द सेम डेंसिटी, मतलब कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उन सबकी डेंसिटी क्या है? सेम है, लेकिन जो उनके डेप्थ है वो सबकी अलग है। अब देखें, इनका मतलब ये था कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो ये माउंटेन्स है, जो भी हमारे प्लेटी है, इन सब की डेंसिटी क्या है? सेम है, लेकिन जो उनकी गहराई है, जो उनकी जड़ें हैं, उन सब की अलग है। देखिए इनका कहने का मतलब ये था, हम थोड़ा सा गाइस देखिए हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम में इंग्लिश में लिखोगे, लेकिन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप बना के कैसे लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आप ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में अगर बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने होते हैं, और अभी मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तब वो बड़े बड़े तभी लिख पाओगे आंसर, जब आपको सब चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए गाइस, इनका कहने का मतलब ये है, अब जैसे हमारे पास, जैसे कि हमारी अर्थ के ऊपर ये ट्री है, ये पेड़ है। अब ये इनका मतलब ये है कि जो पेड़ है, इसके जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट है सेम डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सेम है, ठीक है, फिर ये है, इसकी भी डेंसिटी सेम है, लेकिन जो इनकी रूट होगी ना, जैसे कि हमारा अर्थ है, अब जब ये आप ऊपर है तो गाइस ही नीचे भी होगा ना, है ना, इसकी जड़ें भी होगी। तो इनका मतलब ये है कि डेंसिटी इन सबकी सेम होगी, लेकिन जो इनकी रूट है वो अलग होगी। जो जितना ऊंचा होगा उतनी ही गहरे उनकी, उतनी ही गहरी उनकी क्या होगी? जड़ें होगी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट द डेंसिटी सेम होगी, लेकिन उनके जो डेप्थ है, उनकी जो गहराई है वो अलग होगी। मतलब अगर यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे भी एक ट्री है, अब देखिए गाइस, ये जो ट्री है ये बड़ा है, ये वाला छोटा है ना, तो ये पेड़ जितना ऊंचा होगा इतनी ही जड़ें भी इसकी यहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर ये पेड़ छोटा है ना, तो जो इसकी जड़ें हैं वो कम होगी। मतलब इनका कहने का मतलब यही था कि अगर हमारा कोई माउंटेन्स बड़ा है तो उसकी जड़ें क्या होगी? आपकी बड़ी होगी। एंड अगर कोई छोटा है तो उसकी जो जड़ें हैं वो क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। तो इनका कहने का क्या मतलब था कि जो हमारे डिफरेंट पार्ट है अर्थ क्रस्ट पे, उन सबकी डेंसिटी सेम है, लेकिन डेप्थ मतलब उनकी रूट सबकी क्या है? अलग है। तो देखिए गाइस, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा।
सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस हमारा। एरी ने क्या कहा, जो जितना ऊंचा उनकी जड़ें उतनी ही गहरी, है ना। अगर एक ट्री बड़ा है तो उसकी जड़ें भी इतनी गहरी होगी, अगर उससे बड़ा है तो उसकी जड़ें और भी गहरी होगी, है ना। तो इनका कहने का क्या मतलब था कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैव द डेंसिटी तो सेम होगी, लेकिन जो उनकी गहराई है वो सबकी क्या होगी, अलग होगी। और इनका जो इवोल्यूशन अगर हम देखें तो इनका मोर साइंटिफिक, ये आपका सबसे ज़्यादा साइंटिफिक माना गया एरी का आपका आइसोस्टेसिस का कंसेप्ट, क्योंकि ये किसे सपोर्ट करता था, प्लेट टेक्टोनिक को भी ये सपोर्ट करता था, और आपका जो गैसोलाइन है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी ये क्या करता था, सपोर्ट करता था। ठीक है, तो अब हमारा ये जो ये वाला टॉपिक है मतलब एरी वाला, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट है वो है आपका प्रेत, उनके बारे में देखने वाले हैं हम। गाइस यहाँ पे कर लेते हैं कलर चेंज। तो देखिए गाइस, जो ये प्रेट है इन्होंने अपना जो कंसेप्ट दिया था इस स्टेसी का, ये दिया था इन्होंने 1859 में, इन्होंने दिया था 1855 में, और इन्होंने दिया था 1859 में। और इन मतलब इनका क्या कंसेप्ट है, इन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेयरिंग डेंसिटी, इन्होंने बोला था यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेयरिंग डेंसिटी, मतलब ऑल द क्रिस्टल पार्ट हैव डिफरेंट डेंसिटी बट डेप्थ इज द सेम। अब गाइस आप देखिए, थोड़ा सा अब आप फोकस लगाइए, अब ये इन्होंने किसके मतलब ये किसके इन्वर्स बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एरी के इन्वर्स, क्योंकि एरी ने बोला था कि अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी सेम होगी लेकिन डेप्थ अलग होंगे, और इन्होंने बोला है कि डेंसिटी तो अलग होगी लेकिन जो डेप्थ है वो सेम होंगे। तो देखिए अब इनका देखते हैं, इन्होंने ये बोला है कि सबकी जड़ें मतलब सबकी रूट क्या होगी, एक समान होगी, मतलब अगर कोई ट्री हमारा बड़ा है तो उसकी भी जड़ें हमारी इतनी ही होगी, अगर कोई ट्री हमारा छोटा है तो उसका भी जो डेप्थ है वो इतना ही होगा। ठीक है, आई होप गाइस कि आप समझ रहे होंगे। जैसे कि ये आपका सपोज यहाँ पे हमारा कोई माउंटेन है, ठीक है, तो इसकी भी जड़ इतनी है, यहाँ एक है, एक ये वाला है, इसकी भी जड़ इतनी ही है, जड़ का मतलब है गाइस हमारा डेप्थ। ठीक है, अब आप देखिए गाइस, अब हम एरी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट हैव द सेम डेंसिटी बट देयर डेप्थ वेरीज। इन्होंने क्या बोला, ऑल द क्रिस्टल पार्ट हैव डिफरेंट डेंसिटी बट डेप्थ इज द सेम। इन्होंने डेप्थ सेम बताया, उन्होंने अलग बताया। एंड गाइस अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन। सो गाइस अब देखें इनका इवोल्यूशन क्या है, बट इन्होंने क्या किया था, प्लेट टेक्टोनिक इनकी जो थ्योरी दी थी इन्होंने, ये प्रेत ने इनका जो कंसेप्ट था आइसोस्टेसिस का, वो प्लेट टेक्टोनिक को सपोर्ट नहीं कर रहा था गाइस। ठीक है, एरी का तो कर रहा था लेकिन इनका नहीं कर रहा था, और इसलिए इनका ज़्यादा साइंटिफिक माना गया एरी का, क्योंकि इनका प्लेट टेक्टोनिक को भी सपोर्ट कर रहा था और आपका गैसोलाइन को भी। सो अब हमारे दो साइंटिस्ट हो रहे हैं, एक आपका डटन है और एक आपका डेली है। तो डटन ने 1859 में दिया था और इन्होंने दिया था 1940 में। तो डटन ने तो इन दोनों का जो कंसेप्ट था ना गाइस हमारा, किसका, एरी का और हमारा प्रेत का, इन्हें ही कुछ मिक्सअप सा करके इन्होंने क्या बताया कि आइसोस्टेसी हमारा एक आइडियल कंडीशन है ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की, डेट कंट्रोल द हाइट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन फ्लोर इन अकॉर्डेंस विद द डेंसिटी ऑफ देयर अंडरलाइन रॉक। इन्होंने क्या बताया कि आइसोस्टेसी हमारी एक आइडियल कंडीशन है ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम की, जो कंट्रोल करती है हाइट हमारी, कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे, ओशियन है, उन सबकी हाइट कंट्रोल करती है, है ना। और डेली ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि आइसोस्टेसिस हमारा एक ऐसा सिद्धांत है जो हम मतलब ये समझते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर ये जो इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे खड़े हुए हैं, है ना, और जो हमारे ये ओशियन है वो किस तरीके से एग्जिट करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। सो गाइस आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, एंड मैंने आपको छोटे से वीडियो में बताया। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की पीडीएफ, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। एंड अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बाद भी शेयर करना ना भूलें। एंड गाइस थैंक यू, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो उसके लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।